कर्मा और धर्मा अपने रोजी रोटी की खोज में परदेश जाने का निश्चय किए। दोनों भाई परदेश चले गए। उन लोगों को सामान उतारने और चढ़ाने का काम मिला, उसे मंगल लदना कहते हैं। चूंकि वे बहुत परिश्रमी थे, इसलिए थोड़े ही दिनों में दोनों ने बेशुमार धन कमाए। कुछ दिनों के बाद उन्हें अपने घर परिवार, रास्ता लंबा और कठिन तो था ही, साथ ही साथ कमाया हुआ धन का बोझ भी था। रास्ता में चलते चलते थक कर चूर चूर हो गए, इसलिए रास्ते में ही कहीं कहीं पड़ाव कर काली रात भी काटनी पड़ी। दूसरे दिन जब सुबह हुआ तो वे दिशा मैदान के लिए इधर उधर हुए। उसी समय धर्मा स्थित पाकर कर्मा उसका नाजायज फायदा उठाया। कहते हैं कि छोटा भाई धर्मा का थैला से कुछ धन चुरा कर अपना थैला में डालकर धर्मा के साथ धोखा का काम किया। धर्मा चूंकि धार्मिक विचार का व्यक्ति था, इसलिए अपने बड़ा भाई कर्मा का तनिक भी संदेह नहीं करता था। वह अपवित्र काम उसी आराध्या देव वृक्ष कर्म पेड़ के नीचे किया। इस तरह अब और चलते चलते वे अपने गांव के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए, लेकिन इतना थक गए थे कि और आगे एक कदम भी बढ़ना मुश्किल हो गया। गांव के सीमान में ही फिर डेरा डालना पड़ा। करम डाल के चुआ रे उपासन भाई मान बेटी मान करम डाल के चुआ छुई के कपाला छुई के कपाला छुई के कपाला रे मैया मने बोला अपन करम भाई के धर्म। वहीं से अनेकों व्यक्तियों को अपने अपने स्थान में सभी बच्चियां बैठ जाएंगी। सभी उपवासल बच्चियां अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगी। वहीं से अनेकों व्यक्तियों को कहला भिजवाया कि हम लोग गांव सीमान के अंदर पहुंच चुके हैं, घर वाले हम लोगों को परिस कर ले जाने के लिए जल्दी आवे। उसी दिन भादो का एकादशी दिन था और गांव का अखाड़ा में करम गाड़ कर करम का सेवा और पूजा में सभी लोग लीन थे। करम गीत नाच और मांदर का ताल से अखाड़ा गूंज रहा था। इतना सुंदर प्रकृति की छटा में रिज रंग में के सुहावना अवसर पर भला किसको किसका परवाह है। इतनों को कहलवा कर भेजने के बावजूद भी जब उन लोगों को कोई लेने नहीं आया तो कर्मा का खीस उसका माथा में चढ़ गया और अपना छोटा भाई धर्मा को ही बुलाने के लिए भेजा। जब धर्मा गांव गया तो वहां का कर्म का वातावरण देखकर वह भी अपना कर्म को भूल गया। इस तरह से जाने अनजाने कर्मा का बहुत बड़ा बेइज्जती हुआ। इधर रात भी बहुत हो चुका था। कर्मा इतना बड़ा अपमान को सह ना सका और अपने ही खुद गांव गया तो देखता है कि सभी धर्मा सहित अखड़ा में कर्म का सेवा पूजन करने में लीन है। कर्मा इस बात से बड़ा दुखित हुआ और क्रोधित होकर बोला, तुम लोग कौन कर्मा का सेवा पूजा कर रहे हो? असली कर्मा तो यहाँ मैं हूँ। कहकर अखड़ा में गड़ा हुआ कर्म डाल को गुस्सा से उखाड़ कर पैरों से रौंद डालता है और उसे गंदुरगढ़ा में बड़ी ही निर्दयता पूर्वक फेंक डालता है, जो नदी के पानी के साथ बहकर सात समुंदर पार चला गया। उसके बाद अपना बाल बच्चों को भी मार पीट करने लगा। करम डाल के चुआ उपासन बहन मान बेटी मान करम डाल के चुआ
छुई के का पाला रे, छुई के का पाला, छुई के का पाला। सभी बच्चियां अब अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। इतना होना था कि उसी दिन से कर्मा के ऊपर कर्म का कोप शुरू हो गया। कर्मा के ऊपर विभिन्न प्रकार का दुख, तकलीफ और झंझट का पहाड़ टूटने लगा। अंधन, लोग, लक्ष्मी और सभी सुख शांति धीरे धीरे कुछ ही दिनों में ही बिल्कुल समाप्त हो गया। और बाल बच्चे खाने के लिए दाने दाने के लाले पड़ गए। बेशुमार कमाया हुआ धन क्षणिक समय में ही बिल्कुल समाप्त हो गया। कर्मा की पत्नी को दूसरों के खेत में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। कहा जाता है कि एक दिन धर्मा का रोपा रोपने के लिए मदेद किया गया और मदेद में सबको खाना खिलाना पड़ता है। जैसे दूसरों को मदेद के लिए कहा गया वैसा ही कर्मा को भी कहा गया। लेकिन कर्मा रोपा खेत नहीं गया, केवल उसका पत्नी रोपा रोपने लगी। धर्मा सबको खाने पीने के लिए इज्जत के साथ निमंत्रण दिया, पर कर्मा को घर का व्यक्ति है कहकर खाने के लिए निमंत्रण नहीं मिला कि बात कही जाती है, इसलिए कर्मा उसमें शामिल नहीं हुआ और अपनी पत्नी को भी शामिल होने नहीं दिया। लेकिन उसी दिन की परिस्थिति इतनी नाजुक थी, उसके बाल बच्चे भूख से तड़पने तथा रोने कलपने लगे। कर्मा की पत्नी को यह दुख सहा नहीं गया, कटोरी लेकर धर्मा के घर माड़ मांगने लगी। धर्मा की पत्नी माड़ को कटोरी पर डाल रही थी कि दुर्भाग्यवश वह माड़ जमीन पर गिर गया। इन सब को सुनकर कर्मा के मन में भीतर ही भीतर क्रोध का सीमा और ऊपर उठ गया। बेटी मां, और एक बार करम रायन के छुआ, छुई के का पाला, छुई के का पाला, छुई के का पाला। अब सभी बच्चियां अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। हुआ कर्मा धर्मा का रोपा खेत में गया तथा ताक में पाकर सभी रोपा को उखाड़ कर फेंकने लगा। लेकिन देवी शक्ति के कारण सभी उखाड़ का फेंका हुआ रोपा पीछे उलट कर देखने से पता चला कि वह जस का तस है। उसी समय उसे एक आवाज़ सुनाई पड़ती है। कहा जाता है कि कर्मा, तुम्हारा मन के भीतर पाप का डेरा हो गया है। तुम अपना भाई का धन चुराया, सबों के सामने अखड़ा में गड़ा हुआ कर्म राजा का अपमान किया। सुनो, जब तक तुम कर्म राजा के पास जाकर उससे क्षमा नहीं मांगेंगे, तब तक तुम्हारा खराब दिन कभी नहीं सुधरेगा। सो जाओ, कर्म राजा को भादो एकादशी के दिन प्यार से लाकर अखड़ा में गाड़ो, विधि विधान के साथ पूजा पाठ करो, तभी तुम्हारा बिगड़ा भाग्य उभरेगा। उपासन बेटी मां, फूल फेंका, फूल चार फेंका, फूल चार फेंका। ऐसी दिव्यवाणी को सुनकर कर्मा के हृदय में दया और प्रेम का धार उमड़ पड़ा। बुरा से अच्छा काम करने की ओर उसका हृदय ढलने लगा। उसका मन में नेक धर्म का भाव जगने लगा। उसका अहंकारमय मन में प्रकाश दिखाई देने लगा। उसका हृदय बिल्कुल परिवर्तन हो गया और सोचने लगा कि पाप और बुराई का रास्ता में चलकर अच्छाई पर जीता नहीं जा सकता है। अपना किया हुआ पाप का पछताने लगा। कर्मा दिव्य शक्ति का दिया हुआ आदेश के अनुसार भादो एकादशी के दिन कर्म राजा को अखड़ा में गाड़ने के लिए खोजने निकल पड़ा। रास्ता बड़ा कठिन और दुर्गम था, लेकिन कर्मा अपना आत्मविश्वास के साथ दृढ़ संकल्प पर सभी प्रकार के बिन बाधाओं का सामना करते हुए कर्म का खोज में चलने लगा। कहा जाता है कि चलते चलते वह बहुत थक जाता है और बहुत जोरों से प्यास लगती है। एक तालाब के पास पानी पीने जाता है और अपना
अंजुरा में पानी लेकर पीने के लिए ऊपर उठाता है तो देखता है कि पानी में बहुत सारे कीड़े भरे पड़े हैं, सो वह पानी नहीं पी सकता। वह उदास मन लिए आगे बढ़ने लगा। तालाब का मालिक उसे पूछा, राहगीर तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? कर्मा अपना आप बीती बतलाया। उसी तालाब का मालिक भी कर्मा से अनुरोध किया कि मेरा तकलीफ का उपाय यानी तालाब का पानी में कीड़ा लगने का कारण और उसका निदान में कर्म देवता से पूछ कर आना और लौटते बार हमें बतलाते जाना। बेटी मान उपासन फूल फेंका और चावल फेंका। उसके बाद कर्मा आगे बढ़ने लगा। कर्मा को खूब जोरों से भूख सताने लगी। आगे जाते जाते कर्मा देखा रास्ता के किनारे आम का एक बगीचा है और सारे पक्के आम पेड़ में लटके हुए हैं। कुछ कुछ आम बारह मसिया होते हैं जो सावन भादो में भी पकते हैं। कहीं कहीं आम के कर्मा को खूब जोरों से भूख सताने लगी। आगे जाते जाते कर्मा देखा रास्ता के किनारे आम का एक बगीचा है और सारे पक्के आम पेड़ में लटके हुए हैं। कुछ कुछ आम बारह मसिया होते हैं जो सावन भादो में भी पकते हैं। कहीं कहीं आम के जगह गुल्लर का जिक्र किया जाता है। कर्मा बगीचा के समीप जाता है और पक्का आम खाने के लिए तोड़ता है और खाने के लिए जो ही मुंह की ओर बढ़ाता है तो देखता है कि उसमें भी सारे कीड़े भरे पड़े हैं। इस तरह कहिए कि उसका फाटल नसीब उस आम को भी खा नहीं सका। जब कर्मा फिर आगे बढ़ने लगा तो बगीचा का मालिक कर्मा के बारे में पूछा और कर्मा ने उसे भी अपना यात्रा वृतांत बतलाया। तब उसने भी कर्मा को अपना बगीचा के आम फल में कीड़ा लगने का कारण और उसका उपाय कर्म देवता से पूछ कर आने को कहा। इस तरह कर्मा अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ता गया। उपासन बेटी मां अरवा चावल और फिर फूल फेंका। कुछ दूर और आगे जाते जाते उसे एक गाय मिली जो घोर संकट में पड़ी हुई थी, क्योंकि गाय और बछड़ा में स्वाभाविक प्रेम भाव समाप्त हो गया था। चूंकि कर्मा बिल्कुल भूखा प्यासा था, गाय का दूध पीना चाहा। जब पीने के लिए दूध दुहने लगा तो दूध की जगह खून निकलने लगा। इस तरह कर्मा गाय का दूध भी नहीं पी सका। गाय का मालिक भी कर्मा से दूध की जगह खून निकलने का कारण और निदान कर्म देव से पूछ कर लेते आने को कहा। आगे जाते जाते कर्मा को और ज़्यादा भूख और प्यास लगने लगी। इसी समय उसे गांव में ढेकी कूटने की आवाज़ सुनाई पड़ी। कर्मा वहां पहुंचा और ढेकी कूटने वाली भुगतान औरत से खाने के लिए चिवड़ा मांगा। महिला कहने लगी कि देखो ना, क्यों हमारा चिवड़ा ही नहीं बनता है। इस तरह भुगतान भी कर्मा से अपना चिवड़ा बनने का निदान लाने का आग्रह किया। फिर कर्मा आगे बढ़ता गया। जाते जाते एक मगरमच्छ मिला जो एक पानी का रहने वाला जानवर होकर गर्म जमीन का बालू में पेट का दर्द से तड़प रहा था। कहीं कहीं लोग कछुआ का भी जिक्र करते हैं। मगरमच्छ भी कर्मा का प्रयोजन पूछा और अपना कष्ट का कारण और निराकरण लौटती बार लेते आने को कहा। कर्म देवता का खोज में निकला कर्मा को अब बहुत दिन लग गए। अंत में कर्मा को एक बहुत बड़ा समुद्र दिखाई दिया और उसी सात समुद्र पार में कर्मा को एक आराध्य देव ब्रिज कर्म का पेड़ दिखाई दिया। कर्म राजा को देखकर कर्मा के मन में खुशी का ठिकाना नहीं था रहा। अब अपने किए हुए पाप से छुटकारा पाने की
आशा और अधिक बढ़ गई। लेकिन सवाल था कि उतना बड़ा समुंदर को पार कैसे किया जाए, उसके लिए वही सबसे बड़ा परीक्षा था। लेकिन दुख और कष्ट झेलने वाला मगरमच्छ कर्मा को मदद करने का वचन दिया और अपने पीठ पर बैठा कर उसे समुंदर पार करम पेड़ तक पहुंचाया। इतना बड़ा साहस का काम करने के लिए कर्मा तनिक भी नहीं घबराया। इस तरह कर्मा करम देवता के पास पहुंचकर अपना घुटना टेक कर करम देवता से माफी मांगा। दैवी शक्ति के कथनानुसार कर्मा करम का तीन सुंदर कोमल डाल काटकर कंधा में ढोकर अपन खीरा के चढ़ावा। सभी बच्चियां अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। कर्म डाल को लेकर आने समय क्रमशः बारी बारी से सबों को उसका दुख का कारण और निदान बतलाते गए। सबसे पहले मगरमच्छ को कहा कि कर्म उपवास कर्मायत लोग जब नदी में स्नान करने गई थी तब तुमने एक को निगल लिया था, इसी कारण तुम्हें ऐसा कष्ट को सहन करना पड़ रहा है। सो आइंदे से ऐसी गलती ना करना, सब ठीक हो जाएगा। आते आते चूड़ा कूटने वाली महिला को कहा कि तुम पहला में कोढ़ाल छाप कर चूड़ा करम उपासल वालों को कम चूड़ा देकर उसके साथ धोखा किया है, यही कारण है कि तुम्हारा चूड़ा नहीं बनता है। अब से ऐसा गलती नहीं करेगी, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद गाय मालिक के पास आया और कहा कि जब गाय बियाती है तो प्रेम से अगल बगल में खीरसा को बांट कर खाया जाता है, उसे तुमने ऐसा नहीं किया। और जब करम उपासल पूजा के लिए दूध मांगने गई तो तुम उसे दूध नहीं दिखाया दिया, इसी का कोप है, आइंदे ऐसा नहीं करना है। उसके बाद लौटते समय बगीचा का मालिक के पास गया और कहा कि भूखे प्यासे राहगीरों को तुमने फल खाने नहीं दिया, इसलिए तुम्हारा बगीचा का फल भी कीड़ा लगा। भविष्य में अब ऐसा नहीं करोगे, सब ठीक हो जाएगा। अंत में तालाब का मालिक को कहा कि तालाब बनाने के बाद उसका विधिवत पूजा, इसी का कोप है, आइंदे ऐसा नहीं करना। इसके बाद लौटते समय बगीचा का मालिक के पास गया और कहा कि भूखे प्यासे राहगीरों को तुमने फल खाने नहीं दिया, इसलिए तुम्हारा बगीचा का फल में कीड़ा लगा। भविष्य में अब ऐसा नहीं करोगे, सब ठीक हो जाएगा। अंत में तालाब का मालिक को कहा कि तालाब बनाने के बाद उसका विधिवत पूजा किए बिना उसका पानी को व्यवहार किया, करम उपवास व्रतियों को तालाब में स्नान करते समय डांट फटकार कर भाग, इसलिए आइंदे से ऐसा कभी नहीं करना। कर्मा ने तीन करम डाल को भादो एकादशी को विधिवत गाड़ कर पूजा अर्चना किया। उसके बाद कर्मा और धर्मा खुशी खुशी राज करने लगे। इस तरह से कर्म का यहाँ से अंत होता है।